चलिए देखो, ए सुनो आइए, आप ना बहुत बदमाश हो गए, आप अब्सेंट क्यों करते हैं, फिर समझ में नहीं आ गया, फिर बोलेंगे सर समझ में नहीं आ रहा है। देखो ए सुनो, सब सब शांत हो जाओ और बैठ जाओ। देखो लास्ट क्लास में है ना, लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे एक्सरसाइज क्या 3.2 है ना, एक्सरसाइज 3.2 में बहुत सारे क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन है, सारा उसमें से बताए हुए थे, बट आपको होमवर्क भी मिला था है ना। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि होमवर्क बना के आया होगा, बनाया है। देखो पहला क्वेश्चन आसान था, देखे एक बुक देखें बाबू, एक बुक लाओ ना यार, लाओ। हाँ तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है सुनो, 3.2 का पहला क्वेश्चन बन गया है, ईमानदारी से बोलना। देखो बाबू ध्यान से, ए सुनो सुनो सुनो, लाइफ में दो चीज़ों में से कभी मत शर्माना, एक पढ़ाई और दूसरा खाने पीने में, दोनों से अगर शर्माया तो जिंदगी भर भूखा रह जाएगा। अगर खाना से शर्माया तो है ना भूखे एकदम टटुआ जाएगा, है कि नहीं, और पढ़ाई से अगर शर्माया तो जिंदगी भर भूखा रह जाओगे, क्योंकि अगर पढ़ाई से शर्मा गया तो फिर जो भूख पूरा करने मिटाने के लिए जो करता है ना वो नहीं कर पाओगे। तो याद रखना दो चीज़ कभी भी लाइफ में कभी नहीं शर्माना चाहिए, एक पढ़ाई और दूसरा खाना। समझ में आ गया? तो चलो बताओ 3.2 का पहला क्वेश्चन बन गया, दोनों क्वेश्चन है ना उसमें, बन गया ना, वर्ड प्रॉब्लम था। सेकेंड नंबर तो बन गया है, A1 A2 करके चेक करना है कि भाई है ना ये लाइंस पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग कर रहा है। सेकेंड भी बन गया, आवाज नहीं आ रहा है। तीसरा, तीसरे में बोला है A1 A2 को है ना कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को यूज मतलब बताना है। बन गया? बन गया यार। क्वेश्चन नंबर 4, अगर कंसिस्टेंट है तब आपको क्या करना है, उसको ग्राफ के मेथड से एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। बन गया होगा? क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे, 5 बताए थे। क्वेश्चन नंबर 6, जहां पर एक कुछ डाउट है ना रे, देखो क्वेश्चन नंबर 6 हम बताते हैं पंडित जी, सुनो ध्यान से, आसान है। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर कितना है, 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है सुनो, एक इक्वेशन दिया हुआ है, सुनेंगे ध्यान से, एक इक्वेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2x + 3y - 8 = 0। अब पहला नंबर में हमको क्या लाना है, क्या बोल रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस। एक बात बताओ इंटरसेक्टिंग लाइंस कब आता है ना, जब A1/A2 = नहीं होता है B1/B2 का। बोलो यही ना कंडीशन पूरा होगा। अब एक इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, सॉरी है ना, एक इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको दूसरा इक्वेशन को फ्रेम करना है, इस तरीके से फ्रेम करना है कि जो पहला वाला पूछा है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए, और इंटरसेक्टिंग लाइन होने के लिए A1/A2 = नहीं होना चाहिए B1/B2 का। अब देखो ये तो A1 हुआ, ये B1 हुआ, बोलो yes, ये C1 हुआ yes. अब हमको एक और फ्रेम करना है, एक और हमको क्या लिखना है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाना है जो वो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होगा। तो एक बात बताओ, यहाँ पर 2 है, आप यहाँ 3 ले लो, 3x ले सकते हैं yes, ले सकते हैं, प्लस यहाँ पर 4 ले सकते हैं, 4x ले सकते हैं है ना, -8 है तो 8 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, = 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, यही हमारा आंसर हो गया। ओके हाँ 4y। अब सुनो ध्यान से, अब यहाँ पर देखो ये A2 हो गया, ये B2 हो गया, और ये क्या हो गया, C2 हो गया। अब चेक करके देखो, ये 2/3 होगा, 3/4 होगा, क्या ये दोनों बराबर हुआ, तो हो गया ना। अब मान लो बगल वाला बोलेगा नहीं सर हम यहाँ 3 नहीं, आप यहाँ 5 लिखिए, यहाँ पर 10 लिखिए, लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? सिर्फ ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। रंजीत बाबू समझ में आया? हाँ, तो ये कंडीशन फुलफिल होना। अब दूसरा नंबर में अगर बोल देगा नहीं हमको पैरेलल चाहिए, क्या चाहिए, PA। अच्छा ये वाला जो है ना, ये पहला का आंसर हो गया, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है ना हमको बनाना है, तो एक और फ्रेम करना है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला वाला का आंसर ये हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि सबका ये आए, सबका अलग अलग हो सकता है ना। अब दूसरा में अगर बोलेंगे कि नहीं अब हमको क्या करना है, इस लाइन का, ये पहला वाला इक्वेशन का एक पैरेलल लाइन खींचना है, क्या खींचना है, पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल लाइन खींचना है। तो पैरेलल लाइन कंडीशन क्या होता है बाबू बताओ, A1/A2 = हो जाता है B1/B2, लेकिन C1/C2 =
नहीं होता है। तो एक काम करो, ए वन अपॉन ए टू यहाँ पर है, देखो टू है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर एक्स लिख सकते हैं, इसी का डबल कर दो, है ना, कितना हो जाएगा, प्लस तीन दूना छः हो जाएगा, छः वाई, है ना, बाकी इसको बराबर नहीं रखना है, तो माइनस यहाँ फाइव रख दो, लिख दो बराबर जीरो। ये जो हमारा इक्वेशन बना वो किसका बना, इस लाइन का, इस लाइन का, ये जो ना एक और इक्वेशन बन गया, जो इन दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है। एक इक्वेशन दिया हुआ है, दूसरे का आपको इस तरीके से फ्रेम करना है कि वो जो दिया हुआ उसके साथ इंटरसेक्टिंग हो जाए, या फिर जो दिया हुआ उसके साथ पैरेलल हो जाए, या फिर जो भी दिया हुआ है उसको आप बोल देंगे। एक और कंडीशन बची है कोइंसिडेंट वाला, तो आप क्या करेंगे, आठ को भी डबल कर दो, सोलह कर दो, तो तीनों बराबर हो जाएगा। चेक करके देखो ना, देखो दो बटा चार है ना, तीन बटा छः काटेंगे तो कितना आएगा, दो बटा चार, तीन बटा छः काटेंगे तो एक बटा दो, एक बटा दो, बताओ ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू बराबर हुआ, तो बराबर हुआ तो पैरेलल नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, तो सिक्स नंबर कोई ज़्यादा तूफान नहीं था। इतनी सी बात समझ में आया कि नहीं आया, तो अब हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करें, बढ़ें आगे, यहाँ तक डाउट, चलो अब इसको लिखना चाहेंगे तो लिख लो, है ना, या फिर मिटाते हैं। मिटाते हैं, देखो आसान था, है ना, और ये एग्जाम में नहीं आएगा यार, याद रखना, अभी से ही पता कर, मतलब समझते जाना है कि कौन सा एग्जाम का पार्ट है या नहीं है, पढ़ना तो सब है लेकिन आपको इस पर ज्यादा ध्यान फोकस नहीं करना है, ठीक है, आप सिर्फ समझो, बाकी इस पर कोई रिवीजन करने का चीज़ है ही नहीं, है ना, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं बट नॉलेज के लिए, ठीक है। अब देखो यार, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3, क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 3.3, ध्यान से सुनो, हम लोग जो है स्टार्टिंग में, ऐ टॉपिक का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको पहला मेथड, इसमें बताए थे दो मेथड से सॉल्व करते हैं, इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा उसको निकालने के लिए दो मेथड यूज़ करते हैं, कितने मेथड, दो, कितने मेथड, दो, पहला ग्राफिकल मेथड और दूसरा भी जो पढ़ने वाला है वो एलजेब्रिक मेथड, है ना, तो पहला देखो ध्यान से देखना, इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए, है ना, टू वेरिएबल वाला पूरा नहीं लिखते, टू वेरिएबल्स वाला जो लीनियर पेयर में था, है ना, उसको निकालने के लिए, इसके सॉल्यूशन को निकालने के लिए, इसका सॉल्यूशन ना निकाल रहे थे, हल, है ना, सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, हल, इसको हल अगर हमको निकालना है तो दो मेथड से, कितने मेथड, दो मेथड, पहला मेथड आप लोगों को बताए ग्राफिकल मेथड, बोलो हाँ ना, जी आर ए पी एच आई सी ए एल, ग्राफिकल मेथड, जो कि हम लोग देख चुके हैं, बोलो हाँ ना, ग्राफ में आप पुट करेंगे वैल्यू को, है ना, और दिखा देंगे, जहाँ पर ये मिलेगा तो जिस पॉइंट पर मिलेगा उसी के नीचे वाला एक्स का वैल्यू और इधर वाई का वैल्यू ले लेंगे। दूसरा ये सॉल्यूशन जो होता है ना, वही लीनियर इक्वेशन वाला जो सॉल्यूशन उसका निकालना होता है, दूसरा जो मेथड होता है इसको हम लोग बोलते हैं भाई एलजेब्रिक मेथड, क्या होता है, एलजेब्रिक मेथड, है ना, ए एल जी ई बी आर ए आई सी, एलजेब्रिक मेथड। अब एलजेब्रिक मेथड पढ़ना है हमें, एलजेब्रिक मेथड में भी तीन मेथड है, कितने मेथड है, तीन मेथड है, पहला जो मेथड है इसको बोलते हैं सब, है ना, सब्स्टिट्यूशन, है ना, सब, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलिमिनेशन मेथड, ई, है ना, ई एल आई, देखो तो क्या स्पेलिंग, एम आई एन ए टी आई ओ एन, इलिमिनेशन मेथड। दूसरा जो आता है क्रॉस, है ना, तीसरा आता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एम यू एल टी आई पी एल आई सी ए टी आई ओ एन, मल्टीप्लीकेशन मेथड, सुनो ध्यान से, क्या क्या लिख दे रहे, एलजेब्रिक मेथड तीन तरीके से सॉल्व करते हैं, कितने तरीका, तीन तरीका, पहला जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन ने बोला ट्यूशन, है ना, हाँ, चा का साउंड नहीं होता, टा का साउंड होता है, ठीक है, अरे खैर अलग बात है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा जो एलिमिनेशन मेथड और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अगर हिंदी की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि, दूसरा इलिमिनेशन होता है विलोपन विधि, विलोपन विधि, तीसरा जो होता है वज्र, है ना, वज्र गुणन ऐसा कुछ है, वज्र गुणन विधि, ठीक है,
तीन मेथड है, तीनों मेथड में हमको पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 3.3 में, वो क्या पढ़ेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। अब ये क्या होता है इसको बताने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ले देखो ध्यान से अगर देखें तो सब आप लोग देखेंगे सुने होंगे सब्स्टिट्यूट, है ना। सब्स्टिट्यूट क्या होता है? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी के जगह पर आप किसी दूसरे को यूज़ कर लेना। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो किसी दिन अगर हम क्लास नहीं ले पाए, किसी दिन अगर हम क्लास नहीं ले पाए तो आपको क्या करेंगे? वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, बोलेंगे जो आप वीडियो देख लो। तो ऑफलाइन क्लास को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए किससे? ऑनलाइन क्लास में। या फिर दूसरी ओर देखो, अगर मान लो हम कहीं चले गए, रांची चले गए, कहीं भी चले गए घूमने के लिए, या फिर कोई काम से चले गए, तो कोई और मैथ टीचर को क्या किए? हायर करके बोल दिए कि एक काम करो यार, एक दिन के लिए आप आकर के पढ़ा दो। तो क्या हुआ? वो सब्स्टिट्यूट हुआ, बुलाया ना। जैसे मान लीजिए आपको कॉफ़ी पीने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन घर में कॉफ़ी खत्म हो गया, तब क्या करेंगे? तो भैया चाय से काम चलाएंगे, बोलो। तो ये क्या किए? कॉफ़ी को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए किससे? चाय से। समझ में आया कि ना आया? तो किसी भी एक के जगह पर एक को हटा करके दूसरे चीज़ को यूज़ कर लेना, क्या हो जाता है? हाँ, तो काम चलना चाहिए, है कि नहीं? तो वहीं से ही आया है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझाने के लिए, एक एग्जांपल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। इधर देखो बाबू, जैसे मान लिया जाए अगर हम लिए x प्लस वाई बराबर 4, क्या लिख दिए? एक्स प्लस वाई बराबर 4, एक ये इक्वेशन हो गया। दूसरा का इक्वेशन एक और इधर ले लेते हैं, है ना, एक्स प्लस 2y बराबर 3, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 2। ऐ सुनो यार, दो इक्वेशन मैंने लिया, है ना, दो लीनियर इक्वेशन ले लिए, दो वेरिएबल वाला। अब इसको अगर हमको x और y का वैल्यू निकालना है तो आप क्या करेंगे? पहला मेथड आप पढ़ चुके हैं, ग्राफिकल मेथड। आप क्या करेंगे? x का वैल्यू निकालेंगे, y का वैल्यू निकलेगा, है ना। फिर x का दूसरा वैल्यू रखेंगे तो y का कुछ और निकलेगा, बोलो हाँ, है ना। इसका भी निकालेंगे आप, ग्राफ में पुट करेंगे, जहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो उसका x वाला एक्सिस का जो भी वैल्यू होगा और y एक्सिस का जो वैल्यू होगा वही उसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा, बोलो। लेकिन अभी हमको क्या पढ़ना है यार, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है। तो इस मेथड को समझाने के लिए देखो ध्यान से क्या करना है, इन दोनों कोई भी इक्वेशन दो अगर दिया हुआ है तो दोनों में से किसी भी एगो एक्स का वैल्यू निकाल लो। अब पूछेगा राम बाबू सर एक्स का ही क्यों निकाले, वाई का भी निकाल सकते हैं। वाई का भी निकाल लो, जिसका आपको निकालना है निकाल लो, कोई भी एक का, इसका एक्स का वैल्यू निकाल लो या फिर इसका निकाल लो, या इसी का वाई या इसका वाई, किसी एक इक्वेशन को पकड़ो, उसका एक्स या फिर वाई का वैल्यू निकाल लो जो आपको आसान लगे, ठीक है। चलो अब हमको इजी लग रहा है इसको निकालने का, मैं इसको निकालूँ। अब एक्स का वैल्यू हमको निकालना है तो वाई को सबको उधर लपेटना होगा, अरे बोलो हाँ, है ना। अब एक्स का वैल्यू जैसे हम रखें तो क्या हो जाएगा, है ना, सॉरी रखना नहीं है, उसको उधर ले जाना है, तो है ना 4 माइनस क्या हो जाएगा? वाई, बोलो हाँ, है ना। अब x का वैल्यू ये निकल गया 4 माइनस वाई। अब ये x का जो वैल्यू निकला है उसको पुट कर देंगे समीकरण किस में? 2 में, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, बोलो हाँ, है ना। अब चलो पुट करते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब लंबा चौड़ा लिखे हैं पुट, है ना, x बराबर 4 माइनस वाई इन इक्वेशन, ये तो आप लिखेंगे, है कि नहीं। अब यहाँ देखो, अब x का वैल्यू कितना आया? 4 माइनस वाई। अब यहाँ कितना लिखेंगे? 4 माइनस वाई प्लस 2y बराबर 3, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखो, ये 4 का 4 रहने दो। अब यहाँ पर देखो माइनस वाई, यहाँ पर प्लस 2y, घटेगा तो 1y बचेगा, तो प्लस y बराबर क्या हो जाएगा? 3। अब y का वैल्यू कैसे निकलेगा? 3, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस 4, तो y का वैल्यू कितना आया? माइनस 1। अब y का वैल्यू माइनस 1 आया कि नहीं आया? Yes, अब चाहे इक्वेशन 1 में पुट करो, 2 में पुट करो या 1 में पुट करो, तो x का वैल्यू निकलेगा। Yes, अब ऐसे तो बहुत बार बनाया होगा यार, yes, है कि नहीं, बहुत बार बनाया होगा। तो y का वैल्यू क्या करना है? y का वैल्यू पुट करना है आपको जिसमें आसान लगे, 1 में या 2 में, है ना, जिसमें आपको ईजी लगे उसमें करो। हम पुट कर देते हैं इसमें, किसमें? इसमें। तो x बराबर माइनस 1 इन इक्वेशन 1। देखो x के जगह पर कितना रखेंगे? माइनस 1, अच्छा ठीक है, यहाँ y लिखना होगा ना, तो y, तो क्या हो जाएगा? x प्लस माइनस 1 बराबर 4। तो x बराबर कितना निकलेगा बताओ, है ना, ये माइनस में हो जाएगा, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस 1 बराबर 5। तो x का वैल्यू कितना निकला?
5, y का वैल्यू कितना निकला? -1। अगर इसी को ग्राफ में दिखाते ना तो जहाँ पर कटता ना तो x का वैल्यू कितना निकलता? 5, और y का वैल्यू कितना निकलता? -1। बात समझ में आया? Yes, इसी को बोलते हैं एक का वैल्यू x का निकालो दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो, एक का वैल्यू x का निकालो दूसरे का वैल्यू पुट कर दो, तो हमारा जो निकलेगा है ना वो एक वैल्यू निकलेगा और उसके मदद से आप दोनों निकाल सकते हैं। Yes, इतनी सी बात समझ में आया पंडित जी? Yes, sir। है ना, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। एक का वैल्यू निकालो, कोई भी एक दो समीकरण है, दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन को आप पकड़ के लाओ, उसका एक्स का वैल्यू या वाई का वैल्यू जो आपको इजी लगे उसको निकालो, बराबर के उधर सबको लपेटो, बाकी जो एक्स का वैल्यू आया वो दूसरका वाला में पुट कर दो, है ना, और कैलकुलेट कर दो, देखना वहाँ का वैल्यू आ जाएगा। तो जो भी वैल्यू आएगा, एक्स का वैल्यू आएगा या फिर वाई का वैल्यू आएगा, अगर किसी भी चीज़ का अगर वैल्यू आता है फिर उसको पुट कर देना वन या टू में, किसी में भी, है ना। अब टेंशन नहीं लेना कि इसमें पुट करूँ या इसमें पुट करूँ, आपको जिसमें मन करता है उसमें पुट कर दो, कोई दिक्कत, तब यहाँ से निकल जाएगा दूसरका का वैल्यू, तो यही हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन। अब चेक करने के लिए क्या करेंगे यार, देखो यहाँ पर इसमें देखो x का वैल्यू कितना है? 5। यहाँ लिखेंगे कितना? 5। यहाँ माइनस कितना हो जाएगा? 1। बराबर कितना आएगा? 4। सेटिस्फाइड हुआ? यहाँ भी पुट करेंगे तो भी सेटिस्फाइड होगा। इसको लिखो और निकालो एक्सरसाइज 3.3। चलो निकालो। हाँ, इसको इलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट चैप्टर, मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज में, है ना, 3.3 में पूरा पढ़ना है क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड। चैप्टर 4 बनाएगा, मतलब 3.3 से नहीं बनाएगा, चैप्टर 4 से बनाएगा। वाह वाह, मिटाए इसको सर, चैप्टर 3.4 से बनाएंगे आपसे, बता दीजिए। ओके, हो गया ना पंडित जी, मिटा दें? हां सर। पंडित जी कहाँ बैठे? अच्छा, तुम पंडित जी पूजा उजा कराते हैं कि नहीं? नहीं कराता, थोड़ा मोड़ा, ठीक है थोड़ा मोड़ा कराओ। चलिए ए सुनो, अब ध्यान से समझो यार, क्वेश्चन क्या बोला है, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन क्या बोला है, ए सुनो ध्यान से, देखो बुक में देखो, सॉल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सुनो, जो पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ लीनियर इक्वेशन है ना, उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब यहाँ क्या है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, फाइंड करना है द सॉल्यूशन ऑफ टू लीनियर इक्वेशन जो दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर हम देखें, है ना, फर्स्ट का जो पहला है आसान है बाबू, आसान वाला हम बनाते हैं, टफ वाला तुम लोग बनाना, ठीक है। देखो एक्स प्लस वाई बराबर कितना है? 14। दूसरे का नीचे कितना है देखो, एक्स माइनस वाई बराबर 4, बोलो हाँ ना। Yes, अब एक काम करते हैं, यहीं से हम x का वैल्यू निकालते हैं, हम x का वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम y का वैल्यू निकालेंगे, हमको इजी लग रहा है, क्यों, ये माइनस उधर जाएगा तो अच्छा लगेगा ना। ओके, अब यहाँ पर क्या करो, x इसको इधर ले आओ, माइनस क्या हो जाएगा 4 बराबर y, इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2, इसी को मानना था 1 2, हम उल्टा मान लिए, क्या फर्क पड़ता है, मेरा मर्जी। बात समझ आया, आपको जैसे बनाना है वैसे बना सकते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, एक बार हम लिख देते हैं, आप लोग लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे पुट है ना वाई बराबर एक्स माइनस 4 इन इक्वेशन सेकेंड, है ना, मतलब हिंदी में क्या लिखेंगे, वाई का मान एक्स माइनस 4 का, मतलब वाई बराबर एक्स माइनस, है ना, वाई का मान इसमें रखना है, किसमें, समीकरण 2 में, लिख लेना यार हिंदी में। अब क्या करेंगे, इसमें देखो x का वैल्यू कितना, y का वैल्यू कितना निकल गया, x माइनस 4, यहाँ पर क्या पुट करेंगे एक बार ना, इसको हम लिख देते हैं अच्छा से। अब देखो x है ना, x का तो x ही रहेगा, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, x माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 14, x और x क्या हो जाएगा 2x बराबर, ये 14 है ये माइनस में है ना, बराबर के उधर क्या हो जाएगा प्लस में, ले है ना, तो 2x बराबर कितना हो गया 18, तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल गया 9। बात समझ में आया? Yes, अब फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पुट क्या x बराबर 9 इन इक्वेशन, अब आपको किसमें पुट करना है, इसमें इसमें जिसमें पुट करना करो, तो इसी में कर देते हैं इन 1, चलो 1 में पुट करते हैं इन 1। अब क्या करेंगे, देखो क्या लिखा हुआ, x माइनस वाई बराबर सॉरी x माइनस 4 बराबर वाई, अब x का वैल्यू कितना आया है 9, यहाँ पर कितना रखेंगे 9 माइनस 4 बराबर क्या निकलेगा y, तो कितना आया 5 बराबर y, तो x और y का वैल्यू निकल गया कि नहीं निकल गया,
हाँ बॉक्स करना हाईलाइट होता है, ठीक है, आपको पता चलेगा कि हाँ ये वाई का वैल्यू है, यहाँ एक्स का वैल्यू है, समझ में आया, क्योंकि सब जगह तो एक्स वाई ही दिख रहा है, बस इसीलिए है ना। बॉक्स बनाने का सिर्फ इतना है कि आप जो चेक करेगा ना, आप उसका मन मतलब ध्यान को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, इतनी सी बात, कोई दिक्कत, लिखो। इसी प्रकार से 2, 3, 4 है ना, 1 में कितना क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, अभी बना के दिखाओ, चलिए बनाइए। हाँ 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 बिल्कुल, एक काम करो ना, हम आपको अभी देते हैं, बाकी होमवर्क रहेगा घर, है ना, आप बनाओ सेकेंड नंबर, ऐ सुनो सेकेंड नंबर अभी बना के दिखाओ, ठीक है, और एक 5 नंबर, ये दोनों बना के दिखाओ, बाकी घर से बना के लाना, ठीक है, सेकेंड और 5 बना लो, चलिए अभी बनाइए। राम बाबू सेकेंड नंबर नहीं बना, राम बाबू ना, चलिए इसको मिटा दें, आप बताओ यार सेकेंड नंबर क्यों नहीं बना, और क्वेश्चन बताओ, देखते हैं क्या है इसमें जो नहीं बना, चलिए बताइए। तो राम एस माइनस टी सेकेंड है ना, क्या है एस माइनस टी बराबर 3, एक और क्या है s by 3 प्लस t by 2 इक्वल टू 6, यही तो है, बोलो राम बाबू। अब सुनो, यहाँ से s का वैल्यू निकाल लें, यहाँ से अगर हम s का वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा प्लस t, कोई दिक्कत, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, है ना। अब s का वैल्यू है ना इतना निकला है, तो इसको यहाँ पुट कर दें, अब फ्रैक्शन में आ जाएगा तो तुमको सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो आप दो तरीके से बना सकते हैं, अगर टी प्लस है ना 3 + t है, इसको यहाँ पर पुट कर दो तो भी आंसर आएगा, या फिर आप ऐसा करो पहले इसको सॉल्व कर लो, है ना, अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो इसका एलसीएम कितना आएगा 6 है ना, अगर हम देखो अगर हम ऐसे इसको 2s लिख सकते हैं, फिर कितना हो जाएगा 3t हो जाएगा बराबर 6, फिर ये 6 उधर चला जाएगा तो क्या होगा 2s + 3t = 36 है ना। अब देखो 2 को मल्टीप्लाई में देखो, 2 और s क्या है मल्टीप्लाई में, बोलो yes, अब सुनो ध्यान से, ऐ सुनो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ है ना, पुट द वैल्यू ऑफ x है ना बराबर कितना हो जाएगा 3 + t इन इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड में पुट कर दें। अब देखो 2 है तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई एस, तो है यहाँ देखो ना यार दोनों मल्टीप्लाई में है, तो एस का वैल्यू कितना निकला है 3 + t, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे 3 + t + 3t = 36, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इसको अगर गुना करें कितना आएगा 60 प्लस, इसको इससे गुना करेंगे कितना आएगा बोलो 2t, और प्लस पहले से कितना है 3t = 36 बोलो। अब 2 सबको जोड़ दो है ना, 60 और 2t कितना हो गया और 3 बोलो पक्का गलत किए हैं, यहाँ पर टी नहीं आएगा ना, यहाँ पर टी नहीं आएगा। अब देखो इस 6 को उधर ले जाओ कितना होगा, यहाँ पर देखो 3 और 2 5 होगा कि नहीं, बराबर 36 - 6 तो 5t बराबर क्या हो जाएगा 30 बोलो। अब टी बराबर कितना आएगा 6 ये ना आएगा, टी बराबर कितना आया 6। अब क्या करेंगे t का वैल्यू जो है वो इक्वेशन है ना, एक काम करते हैं ना फर्स्ट में पुट कर देते हैं है ना, तो लिखेंगे तो ये t का ना वैल्यू निकला, यहाँ एक और s है ना उसका भी तो वैल्यू निकालना है, कहाँ है, हाँ तो ये पूरा नहीं निकला है ना, ये तो t का भी कुछ वैल्यू निकला है, अब इसको यहाँ पुट करेंगे तब ना इसका पूरा निकलेगा है ना। अब लिखेंगे पुट t बराबर 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो s बराबर कितना है 3 + t, t का वैल्यू कितना निकला है 6, तो s बराबर कितना निकलेगा 9, यही हमारा आंसर हो गया, एक हमारा t का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 और दूसरा कितना हो जाएगा 9, बना कोई दिक्कत।
इसको उतारो, फाइव नंबर बना कि नहीं बना? अगर हम इक्वेशन वन से ही मतलब पहला से ही एक्स का वैल्यू निकाले और उसी में एक्स का वैल्यू पुट कर दे तो ओहो अच्छा एक बात बता, चलो आओ देखो तो पहले क्या आता है, तुम देखो यहाँ एस का वैल्यू निकाल लिए, अब इसको हम इसी में पुट करेंगे, कर दे पुट, कर देते हैं है ना, थ्री प्लस टी माइनस टी बराबर थ्री है, कैंसिल होकर कितना आ गया थ्री, बोलो कैंसिल आकर कितना आ गया थ्री, इसका मतलब ये जो एस का वैल्यू जो निकाले वो इक्वेशन पहला का ही तो पार्ट निकाले वो सेटिस्फाइड हो गया उसका, दैट मीन्स सॉल्व जैसे किए तो वो कॉन्स्टेंट आया, अगर कॉन्स्टेंट दोनों तरफ बराबर आ गया इसका मतलब जो एस का वैल्यू निकाले हैं वो इससे जो निकाले वो सही है, अगर इसमें कुछ माइनर मिस्टेक होता तो इसमें यहाँ सॉल्व करने के बाद तीन नहीं आता, नहीं नहीं अरे दोनों कट जाएगा ना, अब किसी का भी वैल्यू एक्स का निकालो और उसी में पुट करेंगे तो वेरिएबल तो कट जाएगा, बचेगा कॉन्स्टेंट जो बराबर के बाद बचा हुआ है, बन गया ना थ्री सेकेंड नंबर, फाइव नंबर बन जाएगा, ठीक है ट्राई करो। अरे यही सब आधा पर तो हम खुश हैं, चलो ट्राई करना छोड़ता नहीं है, ट्राई करो नहीं है फिर हमें इतनी सी बात समझ में आया कि नहीं आया बताओ। अब देखो ये सुनो ध्यान से, पहला बन गया ना, क्वेश्चन नंबर टू देखो, सबके पास बुक है, बुक देखो ध्यान से, लिखा हुआ है सॉल्व 2x प्लस 3y बराबर 11 एंड 2x माइनस 4y है ना बराबर कितना दिया हुआ है माइनस 24 का, अब बताओ इन दोनों के मदद से आप x और y का वैल्यू निकालेंगे? यस सर। बोलो ना यार। यस सर। अब जैसे ही x और y का वैल्यू निकालेंगे तो नीचे लिखा हुआ है इक्वेशन दिया हुआ y बराबर mx प्लस 3, तो y का वैल्यू तो पता रहेगा, x का वैल्यू पता रहेगा तो m का वैल्यू निकल जाएगा, और x और y का वैल्यू कहाँ से पता रहेगा, इक्वेशन ऊपर में दे रखा है तो उसे निकाल लेंगे। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है ना, इस वर्ड प्रॉब्लम जैसे पहले बनाते थे ना 3.1 में या है ना 3.2 में भी बनाए दो वर्ड प्रॉब्लम, उसी प्रकार से इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, मतलब दो नंबर का बीच का डिफरेंस कितना है 26, तो एक नंबर को मानेंगे क्या एक्स, दूसरा क्या मानेंगे वाई, तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा डिफरेंस एक्स माइनस वाई बराबर 26। अच्छा देखो एक्स माइनस वाई मैंने कहा, इसका मतलब एक्स इज ग्रेटर देन वाई, दिमाग लगाओ एक्स बड़ा होगा ना वाई से है ना, तो एक्स माइनस वाई बराबर 26 पहला इक्वेशन। दूसरा देखो है ना, वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर, मतलब जो पहला नंबर है वो तीन गुना है दूसरा से, अब तीन गुना है तो बड़ा हो गया और बड़ा है तो एक्स, तो एक्स बराबर अगर हम वाई लिखें तो क्या पॉसिबल है, अगर x बराबर y लिखें तो x अभी भी तीन गुना है तो y को तीन गुना करना होगा, तो क्या लिखेंगे x बराबर 3y, बोलो दूसरा का इक्वेशन मिला, अब x बराबर 3y मिल गया, x का वैल्यू पुट कर दो पहला वाला में तो वहां से निकल जाएगा x या y का वैल्यू, फिर उसको आगे सॉल्व करेंगे, अगर हम y का वैल्यू पुट करते हैं तो x का वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू पुट करते हैं तो y का निकलेगा, कोई दिक्कत? इतनी सी बात समझ में आया। थ्री नंबर का है तुम्हारे पास है ना, बस लास्ट है, छः क्वेश्चन है, आप घर में ट्राई करना, अगर नहीं बनता है तो कल हम लोग इसी को हम आगे करेंगे है ना, 3.2 3 का ही क्वेश्चन नंबर 3 पूरा सॉल्व कर देंगे कल, ठीक yes, sir. आज इतने रखें फिर yes, sir. तो आज इतने रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मेहनत करो और घर में जितना होमवर्क मिलता है अभी यहाँ पर घर में जाके सॉल्व करो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात अपने घर के आजू बाजू हमेशा क्या रखो, साफ सफाई रखो, बस मैं स्वस्थ रहो और स्वस्थ रखो, आज इतने रखें फिर yes, चलो कल मिलते हैं, बाय बाय, जाओ आराम से, अब है ना लिख भी लिया हुआ, अब घर जाओ।